नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का एक खूबसूरत सा डिज़ाइन लाई हूँ, जिसे आप लेडीज़ कार्डिगन में, जैकेट में, कुर्ती में, बच्चों के स्वेटर में, कैप में, हैट में, सॉक्स में, शूज़ में, चाहे किसी भी मनचाहे प्रोजेक्ट में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए 8 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 2 फंदा एक्स्ट्रा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। तो मैंने सिलाई में 18 फंदे डाले हैं। बॉर्डर बनाने के बाद आप दूसरा कलर अटैच कर लीजिए और सभी फंदे सीधा बुन लीजिए। तो मैंने सभी फंदे सीधे बुन लिए। अब ये डिज़ाइन का दूसरा लाइन है और रॉन्ग साइड, तो सभी फंदे सीधे ही बुन लेंगे। दूसरे लाइन में भी सभी फंदे सीधे ही बुन लेंगे। तीसरी लाइन में प्राइमरी कलर के ऊन से एक फंदा सीधा बुनेंगे, अगला फंदा स्लिप कर लेंगे। तो इन्हीं दोनों फंदों को पूरी लाइन में दोहराएंगे। एक फंदा सीधा, अगला फंदा स्लिप करना है, एक फंदा सीधा और अगला फंदा स्लिप करना है। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। चौथी लाइन में स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे और बुने हुए फंदे को सीधा बुन लेंगे। उन अपनी ओर करेंगे, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे, बुने हुए फंदे को सीधा बुनेंगे। उन अपनी ओर स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर बुना हुआ फंदा सीधा। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। पांचवी लाइन और सामने से सेकेंडरी कलर के ऊन से सभी फंदे सीधे बना लेंगे। और छठी लाइन में सभी फंदे सीधे ही बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे 6 लाइन कंप्लीट हो गए। अब सातवीं लाइन में अपने प्राइमरी कलर्स के ऊन से 2 फंदा स्लिप करेंगे, फिर 6 फंदा सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुनेंगे। 1, 2 बार ऊन लपेटा, सीधा बुन लिया। 2, 2 बार ऊन लपेटा, सीधा बुन लिया। 3, 4, 5, 6। तो इन्हीं 8 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। 2 फंदा स्लिप करना है, फिर 6 फंदे को सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुनना है। चार, पांच और 6। तो 6 फंदा हमने सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुन लिया। अब लास्ट में 2 फंदे बचेंगे, जिन्हें हम स्लिप कर लेंगे। और ये डिज़ाइन का 8वां लाइन और रॉन्ग साइड। तो स्लिप किए हुए फंदे स्लिप कर लेंगे और लपेटे हुए 6 फंदे, इन्हें हम खोल लेंगे। अब इन 6 फंदों को हम 2 हिस्सों में बांट लेंगे। अब 1, 2, 3 के देखिए, 1, 2, 3 के अंदर से 4, 5, 6 को हम निकाल लेंगे। 1, 2, 3 के अंदर से हमने 4, 5, 6 को निकाल लिया। देखिए, अब इन 6 फंदों को ये देखिए आपस में क्रॉस हो गया है।
इन छह फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। अब स्लिप किया हुआ दो फंदा है, इसे स्लिप करेंगे, लपेटे हुए छह फंदों को खोलेंगे, इन्हें दो हिस्सों में कर लेंगे, पहले दूसरे तीसरे के अंदर से चौथे पांचवें छठे को निकाल लेंगे और फिर इन्हें क्रमशः उल्टा बुन लेंगे। और स्लिप किए हुए फंदे को वापस स्लिप करेंगे। तो हमारा ये आठ लाइन कंप्लीट हो गया। अब वापस हम पहले से छठे लाइन को वापस हम दोहराएंगे। 15वीं लाइन और सामने से अब अपने प्राइमरी कलर के ऊन से। अब देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों फंदों को हमने 7वीं लाइन में इन दोनों फंदों को हमने स्लिप किया था, तो इन दोनों फंदों को हम सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुन लेंगे। यानी जो फंदे स्लिप किए गए थे उन दोनों फंदों को हम सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुनेंगे और उसके आगे वाले दो फंदों को भी सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुन लेंगे। फिर दो फंदा स्लिप करेंगे, फिर छह फंदा सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए सीधा, दो दो बार ऊन लपेटा सीधा बुन लिया, तीन चार पांच और छह। तो इन चार फंदों को हम छोड़ देंगे और फिर यहाँ से इन आठ फंदों को हम पूरी लाइन में दोहराएंगे। दो फंदा स्लिप करेंगे, छह फंदे को सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुनेंगे, फिर दो फंदा स्लिप करेंगे। इस तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में चार फंदा बचेगा जिसे हम सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुन लेंगे। सोलहवां लाइन और सामने रॉन्ग साइड। अब लपेटे हुए चारों फंदों को हम खोल लेंगे और इन्हें दो हिस्सों में बांटेंगे। एक साइड में तीन फंदा करेंगे और एक साइड में एक फंदा। अब तीन फंदे के भीतर से सिंगल फंदे को निकाल लेंगे और चारों फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। फिर स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे, फिर लपेटे हुए छह फंदों को खोलेंगे। इन्हें दो हिस्से में करेंगे, पहले दूसरे तीसरे के अंदर से चौथे पांचवें और छठे को निकाल लेंगे, फिर छह फंदों को हम सीधा बुन छह फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे और लास्ट में चार फंदे बचेंगे तो उन्हें हम खोल लेंगे और पहले दूसरे तीसरे के अंदर से चौथे फंदे को निकाल लेंगे, फिर चारों फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। तो इस तरह हमारा 16वां लाइन कंप्लीट होता है और इन्हीं 16 लाइनों को हमें ऊपर ऊपर दोहराते जाना है। एक रंग के ऊन से दो लाइन बनाने के बाद अगला दो लाइन दूसरे रंग के ऊन से बनाया जा रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो दो फंदे हमने स्लिप किए हैं अगले डिजाइन में, इन दोनों फंदों को और साइड से दो दो फंदे ले लेंगे। इस तरह छह फंदे हो जाएंगे और उन्हें हम सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुनेंगे। इस तरह डिजाइन बनता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स,
डिजाइन आपके सामने है, सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। आशा है आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।